नमस्कार, ये है mahendraguru.com द ब्रह्मास फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं महिंद्रा गुरु का एक वीडियो। ये वीडियो देख रहे हैं आप YouTube पर और इस वीडियो का इस खास वीडियो सीरीज का नाम है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। विषय है समान अध्ययन, जो सब्जेक्ट है सब विषय जो है वो अर्थशास्त्र और टॉपिक है आज का वो है लोक वित्त। आइए देखते हैं कि इस पर सवाल क्या आए हैं और कैसे आ सकते हैं। पर उससे पहले आपको जाहिर सी बात है हर वीडियो में हमने ये एक बात को जिक्र किया है कि सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो चाहे वो RRB के नोटिफिकेशन का हो, चाहे वो विजुअल वोकैबुलरी का हो, करंट अफेयर्स प्रेस का हो, उसको आप बिना किसी देरी के देख सके, ताकि आपको आपके मेल पर अलर्ट मिले और आप निसंकोच सोच पाए कि हाँ अब ये वीडियो आया है, ये मेरे ऊपर है कि मैं इसे देखूं ना देखूं। पर वो अलर्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। मुद्रास्फीति के दौरान करों की दर में इनमें से क्या एक चीज देखी जाती है। अगर बात करें मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की, तो जब समय के साथ मूल्य में वृद्धि देखी जाती है वस्तुओं और सुविधाओं की, उस अवस्था को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। यहाँ अहम बात यह है कि वृद्धि तब आएगी जब आमतौर पर मनी सप्लाई, मुद्रा का जो संचय होगा वो अधिक होगा। जब वो अधिक होगा, सरकार चाहेगी अधिक से अधिक पैसा हमसे लेना, ताकि भविष्य में वो हम पे ही उसे खर्च करके एक विकास या ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सके। तो वहां से कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं जो कर की दर है उसमें वृद्धि करे, मतलब कर की दर में बढ़त दिखाए, ताकि अधिक से अधिक पैसों से पास आए और इससे ज्यादा मुश्किलात भी एक नागरिक को ना हो। मैं फिर से एक बात को रिपीट करूंगा कि जब जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, सरकार के पास एक स्पेस आता है, स्पेस होती है टैक्स के रेट को बढ़ाने की, ताकि उस टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करके भविष्य में उसका निवेश या उसका खर्चा करके देश का विकास करे, देश की उन्नति करे। तो यहाँ जो चार विकल्प हैं, इनमें से विकल्प एक बढ़त देखी जाती है जब जब मुद्रास्फीति आती है कर की दरों में, तो यह इसका एक उपयुक्त उत्तर रहेगा। और यह सवाल आया है SSC CGL 2010 के अंदर। आइए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कराधान निम्न में से किस नीति का उपकरण है। अगर अंग्रेजी में बात करूं तो टैक्सेशन इनमें से किस नीति का उपकरण है। विकल्प है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मूल्य नीति और वेतन नीति। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कराधान मतलब टैक्सेशन एक ऐसा प्रक्रिया जिसे सरकार नागरिकों से कर से रेवेन्यू जनरेट करती है, उसे कहते हैं कर से राजस्व जनरेट करती है, उसे हम कहते हैं कराधान। तो यह किस नीति का उपकरण है। ध्यान दीजिएगा कि जब आरबीआई देश की मनी सप्लाई को मैनेज करती है, उस नीति को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो यह तो उसका उत्तर नहीं होगा। जब सरकार खर्चे की और पैसे की उगाही या पैसे का एक रेवेन्यू जनरेशन करती है, उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय। तो यहां सवाल यही उठा है कि बात हो रही है कराधान की या टैक्सेशन की। तो जब जब टैक्सेशन की बात आएगी, जब जब एक्सपेंडिचर या खर्चे की बात आएगी, व्यय की बात आएगी, तब हम मौद्रिक नीति की बात नहीं करेंगे, ना ही मूल्य नीति की और ना ही वेतन नीति की। वहां एक बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। एक ऐसी नीति जिसके जरिए सरकार हमारी न सिर्फ कराधान करती है बल्कि व्यय के ऊपर भी एक ब्यौरा तैयार करती है, उस नीति का नाम है राजकोषीय नीति। ये रहा दूसरा सवाल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चीप मनी से क्या तात्पर्य है। देखिए भाई, चीप मनी बहुत ही एक ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें कहूंगा अशोभनीय शब्द है, पर एक शब्द जरूर है और ये शब्द कहीं कई बार आरबीआई यूज करती है अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में। आरबीआई कहती है कि जब उसने दरों में कमी की, जब उसने अपने इंटरेस्ट रेट में कमी की, चाहे वो रेपो रेट की हम बात कर लें, तो वो कहती है कि कहीं ना कहीं पैसा या ऋण की दरों में अब आपको एक सरलता मिलेगी, उसमें कमी मिलेगी। जब जब आरबीआई अपने रेट को बढ़ाती है तो कहती है कि कहीं ना कहीं जो अब ऋण की दरें हैं वो क्या हो जाएंगे सर, ज्यादा। दोनों ही अवस्थाओं के कुछ नाम है। अगर आरबीआई ने अपने रेट को बढ़ाया, उस पॉलिसी को, उस नीति को हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मतलब प्यारा, प्यारा मतलब ऐसा कोई चीज जो आपके पास कम है या जिसकी आपको एक जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा मिलना मुश्किल है, तो दैट पर्टिकुलर मनी इज डियर, बहुत डियर है हमसे, बहुत क्लोज है हमसे, या बहुत मुश्किल है उस पैसे को पाना, मतलब जो ऋण की दरें हैं वो क्या होंगी सर। उसका उलट जब आरबीआई अपने रेट्स को कम करती है, तो जो रेपो रेट्स हैं, जो एक तरह से जो एक ऋण दर है बैंकों की, वो भी क्या होती है सर,
कम। तो जब जब कम ब्याज दर होगी तब तक जो उस समय अवस्था है वो होगी सर चीप मनी की, तो ना तो कम बचत दर होगी, ना कम आय दर होगी, और ना ही कम क्या होगी सर जीवन स्तर में गिरावट। उत्तर क्या होगा सर इसका, कम ब्याज दर। सवाल अगर चीप मनी का आया तो हो सकता है इसका सवाल आए कि डियर मनी क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको एस्पायरिंग स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं डियर मनी इसका उलट होगा, तो यहाँ क्या होगा सर कम की जगह अधिक। तो जब 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 अधिक ब्याज दर होगी तब तक उसे हम क्या कहेंगे सर डियर मनी, और जब जब कम ब्याज उसे हम क्या कहेंगे सर चीप मनी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। निम्न में से कौन सा कर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता है। अब चलिए यहां एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक छोटा बाजार मार्केट और ये एक बहुत बड़ा बाजार मार्केट, इसका जो हेड है वो वन है, इसका जो हेड है वो टू है। अगर कोई सेल इस मार्केट के अंदर हुई उस पर जो एक उगाही है, उस पर जो एक टैक्स की प्राप्ति है उसे करेगा वन। इसके बाहर अगर इस लीडर ने या इस संस्था ने कोई चीज बेची या कोई चीज उपलब्ध कराए उस पर टैक्स लेगा तो लेगा टू, उसमें कोई भी हिस्सा वन का नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब हम बात करें वन है आपका राज्य और ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जब राज्य एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक राज्य सरकारी है उस स्टेट के अंदर कोई चीज बेची जाती है उस पर उस बिक्री पर जो कर लगता है उसका जो पूरा राजस्व होगा वो कहां जाएगा सर स्टेट के पास। उसी तरीके से एक ऐसा पर्टिकुलर चीज एक ऐसी पर्टिकुलर वस्तु एक एंटिटी उसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होकर उसकी बिक्री होती है उस पर जो कर लगाएगा वो कौन लगाएगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर इस बिक्री कर पे कोई भी शेयरिंग हम राज्य साथ नहीं करेंगे। तो अगर स्टेट के अंदर की बात करें उस पर्टिकुलर सेल्स टैक्स की या स्टेट के बाहर बात करें सेंट्रल द्वारा सेल्स टैक्स की, दोनों ही सेल्स टैक्स का दोनों ही बिक्री कर का जो राजस्व होगा उसमें हिस्सेदारी ना तो राज्य की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स पर और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी राज्य के उस सेल्स टैक्स पर। तो यहां अगर हम उत्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बिक्री कर है उस पर जो एक साझा करने की बात है वो नहीं की जाती। आयकर में कह सकते हैं, उत्पाद शुल्क में कह सकते हैं, निगम कर में कह सकते हैं, पर हम बिक्री कर में सर नहीं कह सकते। वहां पर संघ और राज्यों के बीच साझा नहीं किया जाता यह कर जो है आपका बिक्री कर। बातें हैं अगले सवाल पर और हमारे आखिरी सवाल पर, समानांतर अर्थव्यवस्था का कारण निम्न में से क्या है। सवाल है सर दोस्तों कि समानांतर अर्थव्यवस्था का कारण निम्न में से क्या है। मान लिया जाए अगर मैं यह एग्जांपल दूं, एक लीडर है और तीन लोग हैं, इनमें से दो इसकी बात सुनते हैं और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होती है वो इनके पास पहुंचती है, जो तीसरा है वह काफी इंफॉर्मेशन को इनको शेयर नहीं करता। यहां पर दो अवस्थाएं हैं, एक वो व्यवस्था जो लीडर की तरह चलती है और एक वो व्यवस्था जो उस थर्ड इंसान की तरह चलती है। उसी तर्ज पर अगर बात करें टैक्स, ये तीनों क्या है सर आपके टैक्स पेयर्स और ये है आपकी गवर्नमेंट सरकार, यह दोनों नियमित तौर पर टैक्स पे करते हैं, मतलब जो एक टैक्स की कंप्लायंस है जो एक कार्य प्रणाली है उसे फॉलो करते हैं वन एंड टू। नंबर वन। नंबर टू, अगर उन्हें टैक्स को बचाना है तो वह रेंट एग्रीमेंट दिखाते हैं, वह LIC दिखाते हैं, वह PF दिखाते हैं ताकि टैक्स क्या हो सर बचे, पर वो कोई भी अनैतिक काम नहीं करते और वो पैसा जो इनको देते हैं वो उस अर्थव्यवस्था में रहता है, मतलब जिसकी जानकारी सरकार को है। तो थर्ड व्यक्ति है वो इनमें से कोई भी एक काम नहीं करता, वो टैक्स में चोरी की बात करता है, वो कहता है कि भैया हम आपको टैक्स नहीं पे करेंगे, हम शो भी नहीं करेंगे कि हमने इतना टैक्स हमने आपको पे करना है। वो जो एक अर्थव्यवस्था बना रहा है, क्योंकि देखिए एक आदमी नहीं होगा लाखों संख्या में लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, वो अर्थव्यवस्था जो होगी वह होगी समानांतर अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था इसके ही अलग चलेगी। तो यहां पर जो मुख्य कारण रहा इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का वो था टैक्स में चोरी, ना तो टैक्स कंप्लायंस की बात हुई टैक्स अगर हम एग्जाम्पल दें, ना तो यहां बात हुई कर अनुपालन की, ना बात हुई कर टालने की और ना ही बात हुई टैक्स आकलनकर्ता की, बात सभी किसकी सर कर की चोरी। तो वह कर की चोरी करके कहीं ना कहीं एक तरह से टैक्स
चोरी कर रहा है और एक समानांतर अर्थव्यवस्था का वो एक हिस्सा बन रहा है, तो इनमें से जो विकल्प उत्तर होगा वो होगा कर की चोरी करना, ना कि कर टालना, कर अनुपालन और ना ही टैक्स आकलन करना। ये था हमारे आखिरी सवाल का उत्तर जो है कर की चोरी करना। इसी के साथ हमारे जो 5 सवाल थे वो यहाँ खत्म होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो हैं उनसे ही संबंधित कई सवाल आपके आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन में या फिर डिफरेंट इम्तिहानों में आपको दिखें, इस सोच के साथ कि अब आप तैयारी में जुट गए होंगे एसएससी को लेकर, क्योंकि एसएससी सीजीएल आपका 27 अगस्त को है टीयर 1, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, मामला बहुत ही संगीन है, पर आप उसमें ढंग से बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं कि आपकी सफलता में ही बाकी सब जानते हैं। धन्यवाद।